हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। आज हम लोग बात करेंगे क्रेन के बारे में। क्रेन क्या होता है या कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। ये हम बिना देर किए हुए बात करते हैं, क्रेन कितने टाइप के होते हैं। क्रेन मेनली दो टाइप के होते हैं, मोबाइल क्रेन और स्टेशनरी क्रेन। चलिए हम एक एक करके जानते हैं, मोबाइल क्रेन किसे कहते हैं और स्टेशनरी क्रेन किसे कहते हैं, और मोबाइल क्रेन के अंदर कौन कौन से क्रेन आते हैं और स्टेशनरी क्रेन के अंदर कौन कौन से काम करते हैं। चलिए हम बात करते हैं पहला मोबाइल क्रेन। वैसा क्रेन जिसको एक जगह से दूसरे जगह काम करने के लिए आसानी से ले जा सकते हैं, उसे मोबाइल क्रेन कहते हैं। मोबाइल क्रेन टायर माउंटेड क्रेन भी हो सकता है, क्रॉलर क्रेन भी हो सकता है। चलिए हम बात करते हैं मोबाइल क्रेन के अंदर कौन कौन सा क्रेन आता है। पहला है ट्रक माउंटेड क्रेन, दूसरा है क्रॉलर क्रेन, तीसरा है हाइड्रा क्रेन, चौथा है ऑल ट्रेन क्रेन। चलिए हम इन सभी क्रेन को एक एक करके समझाते हैं। पहला है ट्रक माउंटेड क्रेन। वैसा क्रेन जो ट्रक के ऊपर माउंटेड होता है, उसे ट्रक माउंटेड क्रेन कहते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इस क्रेन को आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं काम करने के लिए, लेकिन इस क्रेन को हैवी लोड लिफ्ट में नहीं कर सकते हैं। अगला क्रेन है क्रॉलर क्रेन। वैसा क्रेन जो क्रॉलर पर फिक्स होता है, उसे क्रॉलर क्रेन कहते हैं। क्रॉलर क्रेन पर फिक्स होने के कारण इसे क्रॉलर क्रेन कहते हैं। इस क्रेन का उपयोग हैवी लिफ्टिंग के लिए किया जाता है। यह क्रेन मुख्य विशेषता यह भी है कि यह किसी भी मटेरियल को लिफ्ट करके 360 डिग्री में रोटेट कर सकता है। चलिए हम अगला बात करते हैं। अगला क्रेन है हाइड्रा क्रेन। इस क्रेन को पिक एंड कैरी क्रेन भी कहते हैं, क्योंकि इस क्रेन के मदद से किसी भी मटेरियल को लिफ्ट करके एक जगह से दूसरे जगह कैरी कर सकते हैं। चलिए हम अगला क्रेन के बारे में बात करते हैं। अगला क्रेन है ऑल ट्रेन क्रेन। यह फोर व्हील ड्राइव सिस्टम होता है तथा एक ही स्टेयरिंग से चारों व्हील को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें एक टेलीस्कोप बूम होता है, इसमें हाइड्रोलिक पावर होता है। चलिए हम अगला बात करते हैं स्टेशनरी क्रेन के बारे में। स्टेशनरी क्रेन क्या होता है। वैसा क्रेन जो एक जगह फिक्स होती है और जिसे एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं किसी भी काम करने के लिए, उस प्रकार को क्रेन को स्टेशनरी क्रेन कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं स्टेशनरी क्रेन के अंतर्गत कौन कौन सा क्रेन आते हैं। पहला क्रेन है टावर क्रेन, दूसरा क्रेन है रेल रोड क्रेन, तीसरा क्रेन है गेंटी क्रेन, चौथा क्रेन है यूटी क्रेन, पाँचवा क्रेन है फ्लोटी क्रेन। चलिए हम एक एक करके सभी के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। पहला क्रेन है टावर क्रेन। इस क्रेन का उपयोग मैक्सिमम ऊंची-ऊंची बिल्डिंग बनाने में किया जाता है। टावर क्रेन मेनली दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला वर्टिकल पार्ट, दूसरा हॉरिजॉन्टल पार्ट। वर्टिकल पार्ट जो होता है वो कंक्रीट में फिक्स होता है और हॉरिजॉन्टल के आगे में बूम होता है तथा पीछे साइड में काउंटरवेट होता है जो कि कंक्रीट का होता है। इसका काज होता है क्रेन और लोड को बैलेंस बना कर रखना। चलिए हम अगला क्रेन के बारे में बात करते हैं, ईओटी क्रेन। इस क्रेन को इलेक्ट्रिकल ओवरहेड क्रेन भी कहते हैं। इसका उपयोग वर्कशॉप में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में किया जाता है। इसमें होसिस्ट और क्रॉस ट्रबल होता है और रॉन्ग ट्रबल भी होता है, जिससे। अगला क्रेन है रेल रोड क्रेन। इस क्रेन के नाम से ही पता चलता है कि यह रेल पर चलती है। इसका उपयोग अधिकतर रेलवे वर्कशॉप में होता है। इसका उपयोग रेल वर्कशॉप में किसी का इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस के लिए किया जाता है, या किसी भी प्रकार के एक्टिविटी जो रेल से संबंधित हो, जिसमें मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह करना हो, तो इसका उपयोग
किया जाता है। अगला क्रेन है फ्लोटिंग क्रेन। इस क्रेन का उपयोग शिपयार्ड में किया जाता है क्योंकि यह क्रेन शिप के ऊपर माउंटेड होता है। यह पानी में किसी भी प्रकार का काम करना है तो इस क्रेन का उपयोग करते हैं। पांचवा क्रेन है गैंट्री क्रेन। यह क्रेन फिक्स एरिया में काम करता है क्योंकि यह क्रेन रेल पे फिक्स होता है। इस क्रेन को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या जहां हैवी लिफ्टिंग या शिफ्टिंग अधिक होता है वहां इस क्रेन का उपयोग किया जाता है। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।